हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है मयंक। आज हम लोग इसकी पहली पेड सर्विस करवा रहे हैं। जैसे 3 सर्विस फ्री मिलती हैं, आज देखते हैं पेड सर्विस में कितने चार्जेस हमें लगते हैं। फ्री सर्विस में लेबर चार्ज वगैरह हट जाता है, और इससे पहले मैंने जहाँ सर्विसिंग करा रखी है इसकी, वो करा रखी बरेली में। और आज मैं जहाँ सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ तो हल्द्वानी में जा रहा हूँ मैं। तो आज फोर्थ पेड सर्विस है, देखते हैं क्या क्या होता है फोर्थ सर्विसिंग में एंड कितने हमको चार्जेस लगते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं हमारे। तो जो उसकी थर्ड फ्री सर्विस हुई थी वो 3000 समथिंग कुछ किलोमीटर में हुई थी, एंड अभी जो हो गए हैं किलोमीटर मेरे बाइक के ऑलमोस्ट 11000 हो गए। तो 6000 किलोमीटर में करानी चाहिए, हाँ 11045 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होंडा बिग विंग के शोरूम अपनी फोर्थ पेड सर्विस के लिए। अंदर चलते हैं। दोनों डिस्पैड मेरे घिस गए थे, तो डिस्पैड मैंने अभी चेंज कराया। तो एक डिस्पैड शायद 800 रुपये का है, तो अभी एंड में देखेंगे कितना टोटल बिल आता है। तो उसमें अपन को सर्विस का भी पता चल जाएगा, सर्विस के क्या चार्जेस है। मतलब 11-10 हज़ार किलोमीटर के बाद इसके डिस्पैड घिस जाते हैं, मतलब चेंज कराने पड़ते हैं। तो देखते हैं अभी और क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे को बिल आया है 4626 रुपीज़ का, जिसमें 1600 रुपये डिस्पैट के हैं दोनों आगे पीछे के। अगर वो नहीं होता तो 3000 रुपये आप लोग मान सकते हो, 3000 रुपीज़ सर्विसिंग के लगे एंड एयर फिल्टर वगैरह चेंज हुआ, ऑयल चेंज हुआ, एंड 1300 रुपये सर्विस चार्जेस है। तो 3000 रुपीज़ में आपकी पेड सर्विस हो जाएगी अगर डिस्पैट वगैरह चेंज नहीं करा रहे हो। तो आई थिंक 6 महीने में या फिर साल में या 6000 किलोमीटर में जो भी आप सर्विस करा रहे हो उसके लिए 3000 सही प्राइस है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। Yeah.